हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आपके लिए वो है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक है आज का अपना? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी, तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, काफी सारे प्रोनाउन्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं प्रोनाउन्स में से ये भी एक प्रोनाउन ही है। और उसका कार्य क्या होता है? जो कि अपने पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, यानी संबंध बताता है। क्या करता है? ये संबंध स्थापित करने का काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? इनको संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन जहां तक बात करते हैं। अच्छा, क्या है ये? है क्या भाई? कोई भी नाउन्स या नाउन्स इक्विवेलेंट वर्ड्स जो होते हैं उनको उनके भी संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? चलिए, वे प्रोनाउन्स जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट वैलेंस वर्ड्स के बीच में संबंध बताते हैं। क्लियर हुआ कि भाई ये प्रोनाउंस क्या करते हैं? इनसे पहले जो नाउन्स यूज हुई है या नाउन से संबंधित जो शब्द हैं उनके बीच में क्या करता है? ये संबंध को दर्शाता है, उनके बीच में जो संबंध है उसको बताता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखता हूँ, कोई भी एक सेंटेंस जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके अनुसार आपको बताता हूँ इनका यूज कहाँ पे किया जाता है और किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सी इज द गर्ल whom you threaten yesterday. She is the girl whom you threatened yesterday. तो यहाँ पे ये whom you हो रहा है, ये क्या है भाई? the girl। तो the girl क्या है भाई? ये noun है कि नहीं है? तो ये जो नाउन है इसका इनके साथ बचे हुए जो है उनके साथ संबंध ये दर्शाने का कार्य करता है। कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये होम जो मैंने यूज किया है ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है भाई? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस नाउन का इनके साथ में क्या कर रहा है? संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? अब बात करूं उसकी कि ये यूज कहां, तो ये जो वर्ब होती है, ठीक है, इनका यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखिए मैं आपको इसका क्लियर क्लैरिफिकेशन ये बताता हूँ कि जैसे मैंने ये कहा सी इज द गर्ल होम यू थ्रीटेंड यस्टरडे, तो थ्रीटेंड क्या हो गई भाई? एक वो हो गई वर्ब हो गई। ठीक है, यू थ्रीटेंड ए गर्ल यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू थ्रीटेंड अ गर्ल यस्टरडे, तुमने कल एक लड़की को धमकाया था। तो यहाँ पे अगर मैं क्या लिखता, अ गर्ल, यू थ्रीटेंड ए गर्ल, तो यहाँ पे ये गर्ल इसका क्या होता?
ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे whom इसी के लिए तो यूज किया जा रहा है। सी इज द गर्ल, यही लड़की है जिसको तुमने कल धमकाया। किसको धमकाया भाई? लड़की को धमकाया। किसको धमकाया? लड़की को धमकाया। तो यहाँ पे भाई मैं इसको हटा दू, इसको हटाता हूँ मैं तो क्या लिखूंगा, ही थ्रेटन्ड ए गर्ल, यू थ्रेटन्ड ए गर्ल यस्टरडे। तो यहाँ पे ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, क्लियर है कि नहीं है? ये मैन वर्ब हो गई, क्लियर है? तो ये तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना। तो मैं कहने का मीन्स यही है कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इस रूप में किया जाता है भाई, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया जाता है। किनका? रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है भाई? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। पहली बार डेफिनेशन कि एक अपने आप खुद से पहले प्रयुक्त नाउंस या नाउन के जो इक्विवेलेंट वर्ड्स होते हैं, नाउन के समकक्ष जो वर्ड होते हैं उनके बीच में संबंध दर्शाने का कार्य करता है, ठीक है? तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि भाई इसका इसके साथ संबंध दर्शाया जा रहा है, इसका इसके साथ संबंध दर्शाया जा रहा है। किसका? इसका इसके साथ। क्या संबंध है? कि इसने इसको धमकाया था, इसने इसको धमकाया था, तुमने इस लड़की को धमकाया था, तो तुम्हारा इस लड़की के साथ यहाँ संबंध क्या हुआ? धमकाने वाला संबंध हुआ था कि आपने इसको धमकाया था। तो यहाँ इसका इसके साथ संबंध स्थापित दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए फिर अब इनका यूज किस रूप में होता है भाई? तो ये इनका यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यहाँ पे जो वर्ब रहती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये होता है इसका यूज। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं भाई? चलिए मैं यहाँ पे आपको 8-9 टाइप के जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उन सबकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको समझाऊंगा, क्लियर है? तो इसको आपने नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये जो हमारे पास होते हैं तो ध्यान दीजिए भाई, रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास हू क्या है? हू रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, फिर विच, फिर व्हाट, फिर दैट, who, which, what, that, whom, whose, who, whose, whom, whose, where, whom, whose, when, where, and why. ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ही रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पे मैं इनके मीनिंग्स की जैसे बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पे जो होता है, इसका मतलब भी यहाँ पे जो होता है, इसका मतलब भी यहाँ पे जो ही होता है, और दैट का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है? जो। तो यानी ये वैसे देखा जाए नॉर्मल तो हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है। ही का मतलब, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, विच, विच कौन सा या कौन सी, लेकिन यहाँ पे जो। व्हाट मीन्स क्या, लेकिन यहाँ पे जो। दैट की, जो की, यहाँ पे जो। और ये जो हुम है जिसका, हुम का मतलब क्या होता है भाई? हुम का मतलब होता है जिसे, उनका मतलब क्या होता है? जिसे। हूज जिसका, जिसकी, जिसके। हूज का मतलब क्या होता है? जिसका,
जिसकी या जिसके, वेन का मतलब हो जाता है जब, वैसे वेन का मतलब क्या होता है कब, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब जब होता है, ठीक है। तो इन सब चारों का मतलब जो हो जाता है उनका जिसे हो जाता है, उसका जिसका जिसकी और जिसके, वेन का जब हो जाता है, और वेयर का मतलब क्या होता है वैसे, वेयर का मतलब नॉर्मली हम देखें तो कहाँ होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब जहाँ होता है, क्या होता है जहाँ। हाँ बस एक ये वाई है जिसका नॉर्मली भी मतलब क्यों होता है, यहाँ पे भी इसका मतलब क्यों होता है, और इसमें क्या छुपा होता है भाई, रीजन छुपा होता है। तो ये आपको विशेष रूप से दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक बार जैसे ही सेंटेंस को अपनी तरफ से कन्वर्ट करते हैं तो हम हिंदी में बना के देखते हैं ना उसको, तो उसी प्रकार से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल हो रहा है, उसको हम यूज वहां पे कर लेते हैं। एक तो ये आइडिया वाली चीज हो जाती है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लेके हम चलेंगे, जहां आपसे गलती होने की कोई उम्मीद ही नहीं होगी कि आपकी कहीं कहीं गलती हो, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे हु विच व्हाट और दैट, इन चारों का तो मीन क्या हो जाता है, जो हो जाता है, क्या हु विच व्हाट और दैट, इनका तो जो हो जाता है। होम जिसका मतलब नॉर्मली हम देखते हैं तो क्या होता है किसका, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है जिसे, हुज ये होता है, सॉरी होम यानी किसको होता है, होम मीन्स किसको, लेकिन यहाँ मतलब होता है इसको जिसे, हुज यानी किसका किसकी किसके, लेकिन यहाँ मतलब होगा जिसका जिसकी और जिसके। वेन की मैं बात करूं तो जब, वेन का मतलब क्या होता है जब होता है, यहाँ पे वैसे वेन का मतलब होता है कब, वेयर कहा, लेकिन यहाँ पे जहा, वाई का सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको नोट कर लेने हैं, बड़े काम की चीजें हैं, इनका मीनिंग अगर पता होगा तो हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इनका मीनिंग साथ साथ आप लिखते जाइए, काफी फायदा होगा आपको इससे, नोट कर लेना है इनको। चलिए वन बाय वन हम इनको आगे लेके चलते हैं, इनको एक्सप्लेनेशन करते हुए वन बाय वन लेके आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं हु, तो इसका यूज पर्सन के साथ होता है, पर्सन से यहां मैं बोलूं व्यक्ति विशेष के साथ होता है, यानी कि पर्सन है उसके बाद में होगा। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, उससे आपके गलती होने के आसार बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो वो ट्रिक आपको क्या करनी है भाई, देखिए जैसे सेंटेंस में एक ये पर्सन है तो पर्सन के बाद तो आएगा हु, क्लियर है, लेकिन हु के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए वर्ब, यानी कि ये तो आपका हु हो जाएगा, तो इधर पर्सन और इधर वर्ब होनी चाहिए, और ये दोनों है मतलब आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी आपका ये सही है, इसमें आपके कोई गलती नहीं निकाल सकता है। समझ रहे हैं कि इसका यूज पर्सन के साथ होता है, इसके साथ होता है पर्सन के साथ, क्योंकि पर्सन की मैं अकेले की बात करूं तो हुम के साथ भी पर्सन होता है, लेकिन वहां भी हमें उसके बाद वाले कुछ वर्ड्स देखने पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है, पर्सन उसके जस्ट बाद हमने क्या देखनी है, वर्ब है कि हाँ भाई इसके बाद वर्ब है, मीन्स वो आपका यहाँ पे परफेक्ट है, सही है। देखिए जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका, This is the boy who helped me yesterday। अब यहां मैं देख रहा हूं कि भाई देखिए
ये भू तो आपका आ ही गया, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, द बॉय। तो द बॉय क्या है, पर्सन है ना, पर्सन है कि नहीं है, व्यक्ति विशेष है कोई, तो ये पर्सन हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब आई के नहीं आई, आई के नहीं, तो यहाँ पे ये वर्ब आ गई। इसके बाद वाले पे आप इतना ध्यान नहीं दे, डजंट मैटर, उससे कोई आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे जब इसकी बात कर रहे हैं तो हमें इसका यही देखना है कि भैया पर्सन होगा, ठीक है, क्या होगा, पर्सन होगा, और यहाँ पे आपके वर्ब रहेगी, क्या रहेगी, वर्ब रहेगी। तो ये दिस इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, यही लड़का है जो मेरी कल हेल्प किया, या जिसने मेरी कल हेल्प की, क्लियर है कि नहीं है। चलिए ये एग्जांपल हो गया है, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, यही वह लड़का है जो कल मेरी हेल्प किया था, क्लियर। The boy who is talking with you is my brother, ठीक है, ये हो गया। The boy who is talking with you is my brother. लड़का जो तुमसे बात कर रहा है मेरा भाई है, लड़का जो तुमसे बात कर रहा है मेरा भाई है। तो यहाँ तो हमने who यूज कर दिया, लेकिन the boy, sorry, दे नहीं है, ये the है, the boy, तो ये क्या है भाई, पर्सन है कि नहीं है, पर्सन है ना, ये पर्सन हो गया, और यहाँ पे ये क्या गई, वर्ब आ गई, पर्सन और वर्ब, पर्सन वर्ब आ गई, दोनों के बीच में आपका हु यूज हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है। इसको एक प्रकार से और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसी सेंटेंस को मैं कैसे लिखता हूं, द boy is my brother. The boy is my brother who is talking with you. Who is talking to you? The boy is my brother who is talking to you. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, ये ब्रदर जो था जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको मैंने पहले ले लिया है, लेकिन हो तो ये भी वही गया ना, क्या हो गया, पर्सन हो गया कि नहीं है, और यहाँ पे ये क्या आ गई, वर्ब आ गई आपकी। अब यहाँ पे भी उस चीज को हम क्लियर करना चाहें कि ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या है भाई, ये वर्ब है ना, वर्ब। तो दिस इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, यहां पे क्या आएगा, बॉय हेल्प मी यस्टरडे, तो यहां इसको मैं उधर लेके जाऊं तो ये भी एक प्रकार से भाई, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, ए बॉय हेल्प मी, अ बॉय हेल्प्ड मी, तो यहां पे ये हु एक ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लियर यूज हो रहा है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए तो ये हुआ हु का यूज, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, इसका यूज किसके लिए होता है भाई, पर्सन के लिए होता है, किसके लिए, पर्सन के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां हम हु लगा रहे हैं हु के बाद में वर्ब होनी चाहिए, अगर उसके जस्ट बाद वर्ब नहीं है तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो हु का हो गया, इसके बाद हम बढ़ते हैं विच की तरफ, ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है,
दूसरा हम लेते हैं विच। अब विच का यूज जो है वो पर्सन के लिए नहीं बल्कि थिंग और एनिमल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? थिंग्स और एनिमल के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज थिंग्स मीन्स वस्तुओं तथा एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए किया जाता है। इसके लिए यूज बताया मैंने इसका थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बताया मैंने क्या क्या कि इनका जो यूज है वो वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है? वस्तुओं और जानवरों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको एक चीज देखनी है छोटी सी। क्या देखनी है? चलिए बताता हूं कि एनिमल से मतलब ये एनिमल लिखा नहीं आएगा यहाँ पे किसी एनिमल का नाम, जैसे गोट, बफेलो, काऊ, कुछ भी एनिमल। फिर यहाँ पे है ये विच, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनिमल, यहाँ पे विच, और इधर क्या आएगा? वर्ब, ठीक है। इधर क्या आएगा? मोस्टली इधर क्या आता है? वर्ब आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये देखना आपने, ये देखना है, और विच कब लगाएंगे? जब एक तरफ एनिमल हो, एक तरफ वर्ब हो, ठीक है क्या? नहीं है। दूसरा क्या बनता है? थिंग। क्या? थिंग्स की बात करूं, थिंग्स में किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच। क्या हो जाएगा? विच। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? पर्सन। क्या आएगा? पर्सन। अब ये पर्सन जो है ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ध्यान दीजिए किसके लिए बताया मैंने इसका यूज। इसका यूज थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि भाई हमको देखना है जब करते वक्त कि हाँ ये एनिमल है, ये नेम ऑफ एनिमल है, मीन्स इसके जस्ट बाद में लगेगा विच। लेकिन वो भी ध्यान रखना है कि उसके बाद वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर जब हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, वहां थिंग्स है तो हाँ ठीक है, थिंग्स का नाम नेम है। जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेन के बाद मैंने विच लगाना, क्योंकि नेम ऑफ थिंग्स है, ठीक है, मैंने विच लगा दिया। फिर वहां पे भी मैंने क्या देखना है कि पर्सन होना चाहिए, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, लेकिन पर्सन होना चाहिए, दैट इज नेसेसरी। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। तो अब हम इसको भी एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करते हैं। क्लियर है? The dog which is standing here standing there barks very much। तो यहां पे आप देखिए द डो, व्हाट इज दिस? दिस इज एनिमल। क्या है ये? और जानवर ही है ना एक। तो क्या गया? एनिमल आ गया। चलिए भाई एनिमल का नाम आ गया तो हमको क्लियर पता है कि इसके बाद में हमने विच लगाना है, जो हमने लगा दिया, क्लियर है। लेकिन यहां भी हम देखते हैं तो यहां भी क्या रही है? वर्ब आ रही है कि नहीं है। ये मत कहना कि सर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे और जो मैन वर्ब होती है वो हो, लेकिन है तो ये भी वर्ब ही ना। तो यहाँ पे सही है हमारा, एनिमल का नेम आ गया, इसके बाद वर्ब आ गई, तो यहाँ पे हमारा विच बिल्कुल करेक्ट है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलत होने की संभावना नहीं है, मीन्स ये सही है। क्लियर है कि नहीं है?
इसके बाद में हम ये हो गया एनिमल का, थिंक का देखता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर टू में हम वस्तु का लेते हैं, द पेन द पेन विच यू हैव विच यू हैव इज माइन इज माइन। तो यहां पे द पेन विच यू हैव इज माइन, जो पेन तुम्हारे पास है वो मेरा है, पेन जो तुम्हारे पास है मेरा है, पेन जो तुम्हारे पास है वो मेरा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पेन नेम ऑफ ए थिंग है, किसी वस्तु का नाम है कि नहीं है, ये भैया वस्तु का नाम है कि नहीं है, है ना। तो ये हो गई थिंग, और यहाँ पे हम देखते हैं यू, तो यू क्या है, तुम, एक पर्सन ही है ना, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हमारा सही है थिंग और पर्सन। अब वो चाहे नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है ये प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन भी हो सकता था, लेकिन होना चाहिए पर्सन, क्लियर है। तो यानी कि थिंग पर्सन दोनों के बीच में क्या आ गया, अपना विच आ गया, क्लियर हो गई ये चीजें। तो हु और विच दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए सॉरी, अब हम पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड इसे आपने नोट कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि भैया एनिमल और थिंग्स के साथ में विच का यूज होता है, लेकिन एनिमल आ रहा है तो वर्ब होनी चाहिए विच के बाद, थिंग्स आ रहा है तो पर्सन होना चाहिए विच के बाद, बस इतनी सी चीज कंसेप्ट दिमाग में रखना और कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें है भी नहीं, क्लियर है। चलिए तीसरी चीज पढ़ते हैं हम, दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं अभी, पॉइंट नंबर फोर, व्हाट, ये लीजिए यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, व्हाट। तो ये जो व्हाट है इसका यूज थॉट्स के लिए होता है, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, थॉट्स यानी विचारों के लिए, विचारों के लिए, किया जाता है। चलिए जी, तो व्हाट का यूज कहाँ किया जाता है, विचारों के लिए, मीन्स क्या होता है इसका भी, जो क्या होता है, जो। तो इसमें भी वही ट्रिक की मैं बात करूं तो इसमें ट्रिक क्या कहती है कि यहां पे यानी कि मोस्टली वर्ब के बाद ये आएगा, वर्ब के बाद अपना व्हाट आएगा, और इसके बाद में मोस्टली क्या आएगा, ये पर्सन आएगा, यानी देखना है वर्ब दी हुई हो और उधर उसके बाद में पर्सन दिया हुआ हो तो हमारा व्हाट यहाँ पे सही परफेक्ट बैठता है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई नो, आई नो What you want to say? What you want to say? मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो, मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं I know, know क्या है भैया, verb है कि नहीं है, know यहाँ पे verb हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, पर्सन। तो ये सही बैठता कि नहीं, ये वर्ब हो गई और ये पर्सन हो गई, दोनों के बीच में क्या है हमारा, वर्ड आ गया व्हाट, आया कि नहीं ये रिलेटिव प्रोनाउन, भैया इधर वर्ब हो गई इधर पर्सन हो गया, है दोनों के बीच में, चलिए क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी
न्यू कॉट आई डिड। वह जानती थी जो मैंने किया था, वह जानती थी जो मैंने किया, कि जो मैंने किया था वह जानती थी भाई। तो यहाँ पे न्यू दिस इज वर्ब एंड दिस इज पर्सन, वाक्य नहीं क्लियर। तो व्हाट किसके लिए होता है? विचारों के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? विचारों के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके पहले वर्ब और बाद में पर्सन होना चाहिए, जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट नंबर फोर्थ को क्लियर करते हैं। थ्री पॉइंट हमारे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। चलिए पॉइंट नंबर फोर में थोड़ा सा मोर केयरफुल होने की आपको आवश्यकता है। इसकी जो मैं बात करूं तो मीन तो इसका भी जो ही होता है। क्या होता है? मीन इसका भी जो होता है। चलिए इसका यूज पर्सन थिंग्स एंड एनिमल्स सभी के लिए होता है। भैया इसका यूज मोस्टली सभी के लिए होता है, पर्सन के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत तगड़ा कंफ्यूजन कर दिया आपने, कि पहले आप बता रहे थे कि पर्सन होता है, फिर आप बता रहे हैं कि एक में थिंग और एनिमल होता है, और वो आप तो एकदम से चेंज कर दिए कि तीनों में यूज होता है, फिर तो सर हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। भैया कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? यहाँ पे स्पेसिफाई करता है किसी एक विशेष को। क्या करता है ये? किसी विशेष को। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग या एनिमल को स्पेसिफाई किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति वस्तु या किसी एक ही एनिमल को विशेष तौर पे उसके बारे में बात की जाती है, तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। यहाँ इसको विशेष बताया जाता है, इसलिए इसका यूज तीनों के लिए होता है, लेकिन विशेष हो तभी करते हैं, नहीं तो इसका यूज नहीं किया जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो ये क्लियर हुआ, तो अब को जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेटेजी वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि भैया पर्सन प्लस एनिमल या फिर पर्सन प्लस थिंग, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। एक तो मतलब पहला स्ट्रेटेजी इसका ये हो गया, पहला एक हिसाब इसका ये देख लेते हैं हम, क्लियर है। चलिए जैसे एग्जांपल में देखो इसका, द गर्ल एंड द गोट,
द गर्ल एंड द गोट दैट यू नो आर वेरी फेमस। कि लड़की और बकरी जो तुम जानते हो बहुत प्रसिद्ध है, कि एक तो वो लड़की और एक वो बकरी, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं किसी एक विशेष लड़की की किसी एक विशेष बकरी की बात की जा रही है। सभी लड़कियों या सभी बकरियों की बात यहाँ नहीं की जा रही है, एक विशेष लड़की और एक विशेष बकरी की बात की जा रही है। तो यहाँ इन दोनों को स्पेसिफाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इन दोनों को ही स्पेसिफाई, इनको विशेष बताने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इनके साथ देखो आर्टिकल दा भी लगा है, और दा किसी नाउन के साथ कब लगता है? मोस्टली जब स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज करते हैं तो लगता है जो हमने लगा दिया, और इसी वजह से यहाँ पे हमारा दैट का यूज हुआ है। तो मैंने क्या बताया, पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग। तो यहाँ पे ये तो क्या है भाई, पर्सन, और ये क्या है, एनिमल हुआ कि नहीं, पर्सन प्लस एनिमल। तो यहाँ पे दैट लगा, दैट लगा कि नहीं लगा। चलिए और देखिए, सी नोज द टीचर, सी नोज द टीचर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है कि नहीं है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो यहां पे भी हम देखते हैं भैया कि किसकी बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है, उसको विशेष बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश की जा रही है? उसे विशेष बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम जिसके बारे में बात कर रही हो उस टीचर को वह जानती है। तो यहाँ पे भी इस टीचर की स्पेसिफाई की जा रही है इसको, तो यहाँ पे दैट का हमने यूज किया। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई। चलिए इसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं विशेषकर, जो अगर सेंटेंस में आपको दिखाई दें तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना है। जैसे देखिए मैं आपको ये वर्ड्स अभी लिखवा देता हूं कि कौन कौन से ये वर्ड्स होते हैं। क्लियर है? तो ये तो आप विशेषकर ये चीज ध्यान देंगे, पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग या फिर पर्सन प्लस पर्सन भी हो सकता है। पर्सन प्लस पर्सन का मैंने लिखा, तो यहाँ पे पर्सन पर्सन सी पर्सन सी पर्सन। लेकिन यहाँ पे इसको पर्सन अलग क्यों लिया है, क्योंकि बीच में वर्ब भी आ गई है। क्या आ गई? वर्ब। इसलिए इसको ज्यादा ध्यान नहीं, हमको इसको देना है कि बात किसकी चल रही है। यहाँ पे बात जिसकी चल रही है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता, तो बात टीचर की चल रही है। यहाँ किसकी चल रही है बात? बात यहाँ अध्यापक की चल रही है, तो इसी को हमने स्पेसिफिक मानना है और इसी के लिए दैट यूज किया जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, इसी का दूसरा पॉइंट जो हम आपको क्लियर कर देता हूं, यदि सेंटेंस में वन क्या वन एनी सेम, वन एनी और ये क्या है सेम, ऑल नथिंग नो वन वन एनी सेम ऑल नथिंग नो वन नो बडी नो बडी एनी
बड़ी नथिंग नो वन एनी बड़ी नो बड़ी एनी थिंग नन लिटिल एटसेट्रा। अगर इन वर्ड्स में से वन एनी सेम ऑल नथिंग नो वन एनी बडी नो बडी एनी थिंग नन में से कोई सा भी अगर सेंटेंस में दे रखा है तो दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। वहां पे दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाएगा, लेकिन जो दैट यूज किया जाएगा वो कहां पर्सन के बाद किया जाएगा, कहां किया जाएगा पर्सन के बाद। ये हो तो पर्सन के बाद दैट का यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए कि वन एनी सेम ऑल नथिंग नो वन एनी बडी एनीथिंग नन लिटिल ये शब्द दिए होंगे, इनमें से कोई भी एक शब्द दिया होगा तो वहां आपको जब अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो दैट करेंगे, लेकिन कब पर्सन के बाद। किसके बाद होगा भाई पर्सन के बाद होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके भी एग्जांपल हम जैसे देख लेते हैं। This is the only boy. This is the only boy that can help you. कि यही एकमात्र लड़का है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। यह एकमात्र लड़का है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ओनली बॉय। ओनली आ गया कि नहीं आया भाई यहाँ पे, क्या गया यहाँ पे, सॉरी मैंने ओनली नहीं लिखा इसमें, ओनली भी आता है इसमें, ठीक है ओनली की यही एकमात्र लड़का है तो ओनली आ गया ना ओनली बॉय। तो भैया यहाँ पे भी बॉय को क्या विशेष बताया जा रहा है कि सभी लड़के नहीं, सिर्फ ये लड़का है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। क्लियर है। और देखिए सी इज द सेम गर्ल, सी इज द सेम गर्ल दैट वॉज डांसिंग She is the same girl. यही वह लड़की है, यही वह लड़की है जो नाच रही थी, जो नृत्य कर रही थी। She is the same girl. तो यहाँ पे लड़की को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि यही लड़की है जो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से आपके सामने ये दैट का भी कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए और ये दैट का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे। आशा करता हूं ये यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको, हू आपको मैंने आज पढ़ाया है, हू विच वॉट और दैट, क्या क्या पढ़ा दिया आपको आज, Who, which, what, that. बाकी बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी रहती है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप, आपको समस्या का समाधान प्रदान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।